खबर 24 लाइव न्यूज। ठंड को देखते हुए मड़ियाओं के अंदर नगर पंचायत और ईओ के माध्यम से बनाया गया रेन बसेरा। बता दें, आप देख सकते हैं इस कैमरे के माध्यम से कम वीआईपी व्यवस्था की गई है। इस रेन बसेरे में जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार कराया गया है स्थायी रेन बसेरा की व्यवस्था। ये देख सकते हैं रेन बसेरा की, ये जो सामने रेन बसेरा है, ये ऊपर रेन बसेरा की व्यवस्था की गई यहाँ पे ऊपर। और यहाँ देखिए थाने के सामने एकदम व्यवस्था की गई यहाँ पे। और ये देखिए सामने यहाँ पे जो व्यक्ति बाहर से आए उसके लिए यहाँ पे आग और अलाव की व्यवस्था ये टाउन एरिया की तरफ से किया गया है। और सिक्योरिटी के मामले थाना बगल में होने के नाते यहाँ पर रेन बसेरा में कोई भी प्रकार का यहाँ पे कोई भी चोरी या कुछ भी नहीं हो सकता है। और ये इसमें देखिए, मैं खबर 24 लाइव न्यूज़ मेरा चैनल, इसमें मड़ियाहों के सामने जो बगल में जो शौचालय है उसके ऊपर एक रेन बसेरा की व्यवस्था की गई नगर पंचायत की तरफ से। और ये देखिए कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ, नगर पंचायत का ये जो बोर्ड लगा हुआ आप देख सकते हैं इस समय। और हमारे ईओ साहब जो यहाँ पे हैं, संजय जी हैं, मैं उनसे कुछ जानकारी लेता हूँ कि यहाँ की व्यवस्थाएँ क्या है, पहले उसके बारे में कुछ बताएंगे। सर, ये बताइए जो आपकी तरफ से ये नगर पंचायत जो व्यवस्था की गई यहाँ पे, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? जो यहाँ पे इतना वीआईपी व्यवस्था लग रहा है, होटल फेल है इस समय रेन बसेरा का, इस सब क्या कहेंगे? यहाँ पे अस्थाई रेन बसेरे की स्थापना की गई है। पूर्व में जो है रोड के किनारे टेंट लगा करके किया जाता था, लेकिन चूंकि ये प्रतिवर्ष किया जाना है इसलिए नगर पंचायत द्वारा अस्थाई बनाया गया। इसमें 10 बेड जो है लगे हुए हैं और कंबल है, तकिया है, रजाई, वो गर्म पानी की व्यवस्था है, हीटर की व्यवस्था है। यात्री जो है कि जो आए रात में रुके बोर है उसके लिए टीवी भी लगाया गया है। हाँ। नीचे शौचालय है, महिला पुरुष अलग अलग शौचालय बने हुए हैं नीचे जो है। जी ये बताएं सर, इसके पहले जो रोड पे हमने देखा था, काफी रोड पे जो टेंट लगते थे, कंबल की व्यवस्थाएं इतनी वीआईपी है सारी व्यवस्थाएं, और टीवी भी सामने लगा हुआ मैं देख सकता हूं, कैमरा दिखा रहा हूं आपको। और यहां हीटर की व्यवस्था की गई है कि मतलब किसी यात्री को ठंड भी न लगे, उसके लिए व्यवस्थाएं हैं। अलमारी की व्यवस्था दी गई है यहां पे, कैमरे, उसके बाद देख सकते हैं आप कैमरे की व्यवस्था लगी हुई है। अच्छा अच्छा, सीसीटीवी कैमरे व्यवस्था। सर ये बताएं कि जो कैमरा लगा हुआ है, अच्छा यहाँ देखिए लगा भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में है, ये लिखा हुआ है कि काफी ही एकदम अच्छी व्यवस्था टाउन एरिया की तरफ से। मुझे लगता है कि ऐसी व्यवस्थाएं, सर बताइए कि क्या जौनपुर जिले में ऐसी व्यवस्था और जगह है कि केवल मड़ियाहों में व्यवस्था देखी जा रही है? मछली शहर में भी व्यवस्था है। यहाँ पे डीएम साहब इस बार निर्देश दिए जी कि जो रोड के किनारे लगता है उससे हमारा पैसा भी हर साल जाता है जी, और उसमें रोड किनारे वाले में ठंड भी लगती है, ठंड से बचाव नहीं हो पाता जी। काफी काफी अच्छा लगा इसमें देखिए हमारे, इसलिए जो है हम लोगों ने सामान जो है क्रय कर लिया, इसमें खरीद लिया जी, कम्बल है, गद्दा है, बेड है, सब जो है खरीद लिया गया कि हमेशा प्रतिवर्ष करना है जी, इसलिए हमेशा ही जो है लगा रहेगा। आप देख सकते हैं कुछ यात्री यहाँ आए हुए भी, और एक जो व्यवस्था आप देख सकते हैं, ये व्यवस्था कितनी अच्छी क्वालिटी, कुछ क्वालिटी का जो कंबल, मुझे लगता है कंबल तो कहीं रेन बसेरा बहुत कम मिलता होगा। बेड देख सकते हैं आप, एक मतलब एक जो एकदम वेल मेंटेन जो बेड होता है वो बेड यहाँ पे इस समय है। और कैमरे, पहली बात कैमरे जो है यहाँ पे सुरक्षा के माध्यम कैमरे भी लगा, कभी चोरी ना हो यहाँ पे, जो बाहरी व्यक्ति यहाँ पे आ रहे हैं उनकी सारी सुविधाएं मिले। अच्छा अलमारी देख सकते हैं, इस रेन बसेरा में अलमारी की व्यवस्था भी की गई है, यहाँ पे अलमारी भी है और ये सब सारे सिस्टम लगे हुए वहाँ पे सुरक्षा के माध्यम से। ये पूरा ये मड़ियाहों थाने के ठीक सामने व्यवस्था, सामूहिक शौचालय जो है इसके ऊपर बनाया गया है। यहाँ देखिए पूरी यहाँ पे सिस्टम रखा गया है, कितने यहाँ पे व्यक्ति आ रहे हैं उसकी सुरक्षा के उसके हिसाब से आधार, इस पर आधार कार्ड का डिटेल और सारी सुविधाएं इसके अंदर मेंटेन नगर पंचायत के माध्यम से की जाती है। आप अच्छा सर ये बताइए, अपना सर पुनः पर्चे आप अपने से दे दें, आप सर अपना पर्चे बता दें। मैं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मड़िया हूँ, मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार है जी। बहुत अच्छा लगा।